हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, आज की मेरी नई रेसिपी है, वो है पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और मैंने बहुत ही इजी और क्विक तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप घर में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बच्चे भी शिमला मिर्च नहीं खाते हैं तो वो भी इसको इंजॉय करके खाएंगे, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए हम बनाते हैं और रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पनीर, जिसको छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिया है, क्यूब्स में मैंने कट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, 2 शिमला मिर्च है, इनको भी छोटे छोटे पीस में कट किया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको भी काट के लिया है मैंने। एंड यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च हैं, इसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है। 1 चम्मच जीरा है और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम यूज़ करने वाले हैं, तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। अब तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जीरा डालूँगी। जीरा जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाता है, देन उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। देन यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है। तो सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे मसाले को। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जो काट के रखी हुई थी हमने, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, शिमला मिर्च भी अच्छे से मसाले में भुन चुकी है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, ऑयल भी छोड़ दिया है सब्जी ने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के क्यूब्स, जो हमने काट के रखे हुए थे, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसको भी अब हम ढक देते हैं और 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको पका लेते हैं ताकि मसाले में पक जाए। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है और कितना अच्छा कलर दिख रहा है इसमें। पनीर भी अच्छे से पक चुका है और शिमला मिर्च भी अच्छे से हो चुकी हैं। ये देखिए, परफेक्ट सब्जी बन के ये तैयार है। तो चलिए अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। दिखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रही है और खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। अगर बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं तो आप ऐसे पनीर के साथ उसको शिमला मिर्च को ऐड करके आप उनको खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी है, तो आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है और अच्छे से ये पक चुकी है। सो गाइस, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, यादर कोई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।